watching Star 9 News. फेसबुक के जरिए तो आपने किसी अपने को ढूंढ निकालने की खबरें देखी और सुनी होगी, लेकिन जरा सोचिए, यूट्यूब वीडियो की मदद से एक ऐसा कारनामा होता है कि इस कहानी का कोई यकीन नहीं करेगा। यूट्यूब सिर्फ आपके मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि किसी शख्स को अपने परिवार से मिलाने का भी काम करने लगा है। ऐसे ही एक यूट्यूब वीडियो ने 40 साल पहले इंफाल से लापता हुए शख्स को अपने परिवार से मिला दिया है। ये यूट्यूब वीडियो वरदान साबित हो गया। इस YouTube वीडियो के जरिए ऐसा काम हो गया जो पिछले 40 सालों में नहीं हुआ। एक परिवार को उनका सब कुछ एक YouTube वीडियो ने लौटा दिया। वो है उस एक शख्स को, लौटा दिया उस उम्मीद को, उस पति को, उस भाई को और परिवार को, लौटा दिया है एक जिंदगी को। जी हाँ, YouTube वीडियो में दिखाई दे रहा ये शख्स है कोमद राम गंभीर सिंह, जो पिछले 40 सालों से मुंबई की सड़कों पर रहता, जो काम मिलता वो करता, जो खाना मिलता वो खाता, नींद आती तो आसमान को ओढ़ लेता और जमीन को बिस्तर बन जाता। कोमद राम गंभीर सिंह पिछले 40 साल पहले अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ के मुंबई आया था और इंफाल में बच गया तो इंतजार। इंफाल में परिवार वालों ने खूब तलाशा, लेकिन आखिरकार कोमद राम गंभीर सिंह एक यूट्यूब वीडियो मदद से मुंबई में मिला। 15 अप्रैल को संडे को मणिपुर पटसोई पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर का मुझे फ़ोन आया कि 40 साल से खुमदरंग सिंह एज 65 ईयर्स ये मिसिंग हुए हैं और उनका पिछले साल में लोकेशन यानी 2017 में बांद्रा में पाया गया है। फिर उन्होंने मुझे एक फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजा जो उनको 2017 में मिला था। फिर मैंने मेरे ऑफिसर्स और मेरे जो कर्मचारी है उनको सब व्हाट्सएप पे भेजा और पूरा एरिया में हमने छानबीन की। तब बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर नौपाड़ा जंक्शन करके है, वहाँ पे ये जो शख्स है कुमदरंग सिंह ये हमें मिले। दरअसल इस कहानी के पीछे भी एक दिलचस्प राज है। पिछले 40 साल से अपने परिवार से दूर बांद्रा की सड़कों पर गुजारा कर रहे कोमद राम गंभीर सिंह अपने मणिपुर में रहने वाले परिवार से मिलेंगे। सोशल मीडिया ने गंभीर को उनके परिवार से मिलाने में अहम भूमिका निभाई है। 65 साल के कोमद राम गंभीर सिंह 40 साल पहले अपनी पत्नी से झगड़ा कर मुंबई भाग आए थे। उसके बाद से परिवार वाले उन्हें तलाशते रहे। कोमद राम गंभीर सिंह मुंबई के फुटपाथ पर गुजर बसर करते थे। इस बीच उनकी तबीयत नासाज रहती। एक दिन एक यूट्यूबर उस रास्ते से गुजर रहा था कि कुछ बच्चे कोमद राम गंभीर सिंह को परेशान कर रहे थे कि यूट्यूबर ने बच्चों को भगाया और यूट्यूब पर उनका वीडियो अपलोड कर दिया। कोमद राम गंभीर सिंह के रिश्तेदार ने 40 साल बाद ही सही, लेकिन इत्तेफाक से वो वीडियो देख लिया और फिर चले गए इंफाल पुलिस के पास। इंफाल पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया, फिर जाकर लापता कोमद राम गंभीर सिंह का पता चला। कोमद राम गंभीर सिंह फिलहाल पालघर के वृद्धाश्रम में रखा गया है। इंफाल से कोमद राम गंभीर सिंह का परिवार जल्द ही मुंबई आकर 40 साल बाद फिर से मिल पाएगा। हुए आते हैं सबको आता हुआ जो जाएगा, जिंदगी तो बेवफा एक दिन होगा जाएगा, मौत महबूब साथ लेकर जाएंगे हो मुकंदर का सकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब आता हुआ जो जाएगा, मालिक माफ करो। अच्छा, अभी पहले मेरे बात सुनवा, नाम क्या? मेरा नाम गंभीर है। और किधर के हो आप? इम्फाल मणिपुर का हूँ। अच्छा, और आर्मी में कितने साल थे आप? आर्मी में मैं 17 साल, 16 उम्र से लेकर 33 उम्र तक। काय को छोड़ा आपने? मेरा पिताजी का उम्र हो गया था, वो खेती नहीं संभाल सकता था। अच्छा, मणिपुर में चावल का खेती जाता। अच्छा, माफ करो मालिक। अच्छा, आगे बढ़ो ना, फिर उसके बाद क्या हुआ? बात मैं घर में गाँव में थोड़ा रहा, खेती मेरे को बराबर नहीं जमता था। भाई लोग बड़ा होना लगा, भाई लोग खेती कर संभाल सका जब मैं बम्बई आ गया। तो बम्बई में क्या किया?
मुंबई में पहला आखिर मैं बिगाड़ी काम किया थे। उसके बाद हाँ नाके पे महीन नाके पे मैं बिगाड़ी काम किया। मिल बंद हो रहा था, मिल ने हड़ताल में 13 रुपया मिलता था, 13 रुपया 12 रुपया में मैं मिल का काम किया। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद बिगाड़ी काम किया। बिगाड़ी काम करने के बाद मैं एक दुकान, बिगाड़ी का मतलब क्या काम है? बिगाड़ी में जो करियर रेट्टी का जो रिपेयरिंग उपेयरिंग का वो काम, हेल्पर में काम किया और बाद में दुकान में नौकरी पे लग गया। फिर ये आपके हालात कैसे हो गए? अरे उम्र होते एक्सीडेंट हो गया 2-3 बार। अच्छा, बट आप शराब पीते हो? पीता हूँ, कहीं को झूठ बोलेगा, पीता हूँ। अच्छा, चरस पीते हो? चरस नहीं, गंदा नहीं, कभी नहीं, सिर्फ शराब बीवी पीता हूँ। अच्छा, और शराब। आपके बीवी बच्चे? बीवी बच्चे, बीवी गुजर गया, बच्चे लोग। बच्चे लोग किधर है? हाँ, मणिपुर में, इम्फाल में। अच्छा, हमारा गाँव है खुम्बोंग, केटर रोड पे। अच्छा, लेकिन आप ये जिंदगी कैसे गुजार रहे हो? मतलब आपको अच्छा लग रहा, आप आर्मी वाले थे, लेकिन आप, मेरा बात सुनो, आप वापस इम्फाल क्यों नहीं जाते हो? अभी जाने का सोचा। हाँ, जब मेरा बैग चोरी हो गया, कपड़ा चोरी हो गया, जब से अभी आप रहते किधर? रस्ते के ऊपर रस्ते में रहता हूँ। किधर? कहीं भी फुटपाथ मिले छोड़ जाता। और नहाते किधर? कोई बाथरूम नहीं, कोई। अच्छा, बाबा हॉस्पिटल में ऐसा नहा लेता हूँ। अच्छा, चलो माफ करो, धूप आ रहा है आपको। ठीक है, फिर मिलेंगे। गंभीर सिंह? मैं गंभीर सिंह को बिल्कुल नहीं जानता था। मैं जा रहा था जमाते जमहूरिया की तरफ, वहाँ मैंने उसको देखा, बच्चे लोग उसको छेड़ रहे थे, नेपाली कह रहे थे। और ये वर्ड मैं हर जगह हर को ये बता रहा हूँ कि उसको नेपाली कह रहे थे तो वो पिया हुआ था या ना पिया हुआ था, उसको क्या प्रॉब्लम है? आदमी मैं चलता और मेरे को लोग बाबा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं अपने को नहीं, बट ये बच्चे लोग उसको छेड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे, उसको नेपाली बोल रहे थे और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं मणिपुरी हूँ, मैं इंडियन हूँ। लेकिन वो बच्चे ही छोटे छोटे यार, मतलब सुलेमानी कीड़े वाले बच्चे, तो वो हिसाब से। और मेरी फिर उससे मुलाकात उस वक्त हुई है और मैंने उसको कुछ पैसे वैसे दिए। मैं बोला काहे के लिए सब आप, मैं बट मुझे नहीं मानता कि वो शराबी है। बाद में जब जब मैं उसको मिलने लगा, सुबह सुबह मिलता था और वो आता था यहाँ बाजू पे पीने के लिए, मुझे नहीं मालूम था ये सब, आई हैव नो एजेंडा। और फिर मुझे पता चला कि वो शराबी है। लेकिन फिर मैंने ये दिल में ये नहीं रखा, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में शराबी रह चुका हूँ, मैं 20 साल से छोड़ के आया हूँ, तो इसलिए इसलिए मैं उससे रिलेट कर पाता था, उसकी जो मैं समझ पाता था उसका गम। और मुझे ये नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि 40 साल से वो भगोड़ा है और वो भाग के आया, मुझे ये नहीं मालूम था। ये तो वीडियो वायरल होने के बाद पता चला है।